हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है दिव्यांशु, आप लोग देख रहे हैं गेट सेट टेक। और भाई वीवो की तरफ से यहाँ पर हम वीवो V26 एंड V26 प्रो फोन जो है लॉन्च होने जा रहे हैं इंडिया में। तो आज जो हम लोग इसी फोन को अनबॉक्स करेंगे, रिव्यू करेंगे, बताऊँगा आप लोगों की ये फोन आप लोग इंडिया के अंदर कब तक किस प्राइस पॉइंट पे क्या क्या स्पेसिफिकेशन के साथ देखने के लिए मिल जाएगा। तो बिना टाइम इसके चलिए फटाफट चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग पे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये रहा उसका रिटेल पैकेजिंग। ये जो फोन है ये जो चाइना में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है S16 एंड S16 प्रो के नाम से। तो दोस्तों यही सेम फोन आप लोगों इंडिया के अंदर Vivo V26 एंड V26 Pro की ब्रांडिंग के साथ में देखने के लिए मिल जाएगा। तो जैसे ही आप लोग जो बॉक्स को ओपन करेंगे, तो बॉक्स को ओपन करते ही यहाँ पर आप लोगों के सामने जो फोन निकल के आ जाएगा, 66 वॉट का फास्ट चार्जर आप लोगों को बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाता है। Type-C to A केबल यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाती है इस फोन के अंदर। फटाफट से फोन के प्लास्टिक रैप को रिमूव करते हैं और बात करते हैं यहाँ पर मैं फोन के लुक एंड डिजाइन के बारे में। तो यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को इस फोन के अंदर पीछे की साइड में जो ग्लास डिजाइन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि दिखने में इसके लुक को काफी ज्यादा एनहेंस कर दे रहा है। दोनों ही फोन आप लोगों को सेम टू सेम बिल्ड एंड डिजाइन के साथ देखने के लिए मिलेंगे। बिल्ड एंड डिजाइन में आप लोगों को दोनों ही फोन के अंदर कोई भी डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये चीज काफी ज्यादा अच्छी है कि भाई दूर से कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि आप लोग जो कौन सा फोन यूज कर रहे हैं। 7.36 mm की आप लोगों को इस फोन की थिकनेस देखने के लिए मिलेगी। वहीं अगर बात कर लो इस फोन के वेट की, तो 182 ग्राम आप लोगों को इस फोन का वेट देखने के लिए मिल जाता है। और पीछे की साइड में यहाँ पर आप लोग ग्लास बैक देखने के लिए मिलता है, जो कि दिखने में इसके लुक को काफी ज्यादा इनहेंस कर दे रहा है, आप लोग देख सकते हैं। उसके साथ साथ आप लोग कलर चेंजिंग बैक देखने के लिए मिल जाता है इस फोन के अंदर। अगर आप लोग धूप वगैरह में इसको लेके निकलेंगे, तब यहाँ पर इसका जो कलर है वो जो चेंज हो जाता है। और यह आप लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप से आप लोगों को फोन देखने के लिए मिल जाता है। ऊपर की साइड में यहाँ पर आप लोग कैमरा मॉड्यूल देखने के लिए मिल जाता है, इनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। उसी के साथ साथ ऊपर की साइड में यहाँ पर आप लोगों को इस फोन के अंदर प्रोफेशनल पोर्ट्रेट की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। नीचे की साइड में यहाँ पर आप लोगों को टाइप सी का पोर्ट, सिम ट्रे एंड सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर देखने के लिए मिल जाता है। साइड की अगर बात करें, तो साइड में यहाँ पर आप लोगों को वॉल्यूम रॉकर एंड पावर ऑन ऑफ का बटन देखने के लिए मिल जाता है। और ऊपर की साइड में यहाँ पर आप लोगों को प्रोफेशनल पोर्ट्रेट की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। अब फटाफट से बात कर लें Vivo V26 की डिस्प्ले की, तो आप लोगों इस फोन के अंदर 6.78 इंच का जो काफी बड़ा डिस्प्ले देखने के मिलता है। उसके साथ साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यहाँ पर आप लोग को इस फोन के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। HDR 10 प्लस को दोस्तों ये जो डिस्प्ले है जो सपोर्ट करता है। 360 का टच सैंपलिंग रेट आप लोग को इस फोन के डिस्प्ले के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। ओवरऑल इस फोन का जो डिस्प्ले है वो आप लोग काफी तगड़ा देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर जब आप लोग इस डिस्प्ले को यूज करेंगे, तब काफी स्मूथ एक्सपीरियंस आप लोगों का रहने वाला है डिस्प्ले के साथ में। उसी के साथ साथ आप लोगों को 1300 निट्स की ब्राइटनेस आप लोगों को इसके डिस्प्ले के अंदर देखने के लिए मिल रही है। मतलब काफी ब्राइट डिस्प्ले दोस्तों। अगर आप लोग धूप वगैरह में यूज करेंगे, अगर भाई थोड़ी सी धूप है बाहर और आप लोग जो फोन को ले जाएंगे, आप लोग फुल ब्राइटनेस करेंगे, तब डिस्प्ले आप लोग को विजिबल होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर आप लोग को डिस्प्ले ही दिखना बंद हो गया धूप में। और ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी, 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस यहाँ पर आप लोग इस फोन के डिस्प्ले के अंदर देखने के लिए मिल जा रही है। अब फटाफट से यहाँ पर मैं बात कर लें इस फोन की कैमरा सेटअप की, तो पीछे की साइड में यहाँ पर आप लोग को इस फोन के अंदर 3 कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल रहे हैं। जो प्राइमरी सेंसर आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है, वो आप लोग को 64 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिल रहा है, जिसके अंदर की आप लोग को OIS का सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। मतलब कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन का सपोर्ट आप लोग को इस फोन के बैक कैमरे के प्राइमरी सेंसर के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। इससे होगा क्या कि जब आप लोग जो वीडियो बनाएंगे, तब काफी स्टेबल वीडियो आप लोग जो बना पाएंगे, आप लोग वीडियो के अंदर शेक बिल्कुल भी नहीं होगा, भले ही आप लोग जो हाथ से शूट कर रहे हैं वीडियो को। उसी के साथ साथ आप लोग इस फोन के सेकेंडरी कैमरे के अंदर 8 मेगापिक्सल का एक जो कैमरा देखने के लिए मिलता है, जो कि अल्ट्रा वाइड है, और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा आप लोगों को इस फोन के बैक कैमरे के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। उसके साथ साथ रिंग LED फ्लैश आप लोग इस फोन के बैक कैमरे के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। काफी नया डिजाइन है दोस्तों, जो कि आप लोग को Vivo V26 के अंदर देखने के लिए मिलेगा। उसी के साथ साथ आप लोग जो इस फोन की मदद से 4K 30fps और फुल HD 60fps में जो शूट कर पाएंगे इस फोन के बैक कैमरे से। वहीं अगर बात कर लो इस फोन के फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट में यहाँ पर आप लोग इस फोन के अंदर 50 मेगापिक्सल का जो कैमरा देखने के लिए मिल रहा है। डुअल LED फ्लैश के साथ में दोस्तों ये जो कैमरा है ये आता है, और इसकी मदद से आप लोग जो फुल HD वीडियो 30fps जो शूट कर पाएंगे। अब फटाफट से यहाँ पर मैं बात कर लें इस फोन की परफॉर्मेंस की, तो आप लोग इस फोन के अंदर 2 वेरियंट देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों। एक तो दोस्तों पहला वेरियंट है वो आप लोगों को Vivo V26 देखने के लिए मिल रहा है, जिसके अंदर की आप लोग जो प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा वो आप लोगों को स्नैपड्रैगन 875G प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा। और जो Vivo V26 Pro है उसके अंदर आप लोगों को जो प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा वो आप लोगों को स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। और यहाँ पर मैं दोस्तों दोनों ही प्रोसेसर काफी ज्यादा अच्छे प्रोसेसर है, लेकिन अगर बात करूँ ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर की, आप लोगों को जो प्रो वाली सीरीज है Vivo V26 Pro उसके अंदर आप लोगों को स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिल रहा है, वो कंपैरेटिवली ज्यादा पावरफुल
कूल है स्नैपड्रैगन 875G से। उसी के साथ साथ यहाँ पर 7 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पे एयर प्रोसेसर है जो बेस्ड है। अगर आप लोग जो हैवी टास्किंग कर रहे हैं, अगर आप लोग जो गेमिंग वगैरह करने के शौकीन, अगर आप लोग जो 4K वीडियो एडिट करना चाहते हैं अपने फोन से, उसी के साथ साथ आप लोगों का जो यूसेज काफी हैवी है अपने फोन के साथ, तब आप लोग जो वीवो V26 Pro को कंसिडर करना। मतलब वो आप लोगों को दोस्तों ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगेगा। और अगर आप लोगों को इतना ज्यादा हैवी यूसेज नहीं, अगर आप लोग थोड़ा बहुत सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लेते हैं, कॉलिंग वगैरह कर लेते हैं अपने फोन से, और गेमिंग वगैरह आप लोग जो है नहीं करना चाहते अपने फोन से, तब आप लोग वीवो V26 को कंसिडर कर सकते हैं। तो दोनों ही फोन अच्छे हैं, आप लोग अपने बजट के हिसाब से एंड अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर बात कर लें आप लोगों सेंसर की, तो सारे सेंसर आप लोगों को इस फोन के अंदर देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसे कि प्रॉक्सिमिटी का सेंसर हो गया, जायरोस्कोप का सेंसर हो गया, कंपास का सेंसर हो गया। सेंसर की बात हुई है तो फटाफट से यहाँ पर मैं बात कर लें फिंगरप्रिंट सेंसर की। तो आप लोगों को इस फोन के अंदर अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट का सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब जो स्क्रीन के ऊपर जो फिंगरप्रिंट का सेंसर आता है, वो वाला फिंगरप्रिंट का सेंसर आप लोग इस फोन के स्क्रीन के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा। उसी के साथ साथ दोस्तों ये जो फोन है, ये 5G फोन है, तो यहाँ पर फ्यूचर प्रूफ फोन है। फ्यूचर में भी यहाँ पर आप लोग को जल्दी अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग 5-6 साल आराम से यूज कर पाएंगे इस वाले फोन को। उसी के साथ साथ 66 वॉट की फास्ट चार्जिंग को ये फोन जो सपोर्ट करता है, जो कि आप लोगों का फोन जो 19 मिनट के अंदर जो 50% चार्ज कर देगा, और 40 मिनट के अंदर आप लोगों का फोन जो फुल चार्ज हो जाएगा। उसी के साथ साथ 4600mAh के आप लोगों दोनों ही फोन के अंदर नॉन रिन्यूएबल लिथियम पार्ट बैटरी देखने के लिए मिल जाती है, जो कि सिंगल चार्ज पे आप लोगों को एक दिन आराम से लास्ट कर देगी। तो दोस्तों बस इसी कहानी थी V26 एंड V26 Pro की। फटाफट से बात कर लेते हैं कि ये फोन आप लोगों को इंडिया के अंदर कब तक एंड किस प्राइस पॉइंट पर देखने के लिए मिल जाएंगे। और ये जो फोन है ये आप लोगों को इंडिया के अंदर दोस्तों 22 से लेकर 23 फरवरी के बीच में देखने के लिए मिलेंगे। उसके साथ साथ इन फोन की जो प्राइस रहने वाली है, जो वीवो V26 है, उसकी प्राइस आप लोगों को 29,990 से लेकर 31,000 के अप्रोक्स देखने के लिए मिलेगी। वहीं जो वीवो V26 Pro है उसकी प्राइस आप लोगों को 44,000 से लेकर 47,000 के बीच में देखने के लिए मिलेगी। आप लोग अपने बजट के हिसाब से चूज कर पाएंगे। तो दोस्तों बस ये सारी कहानी थी। अगर आप लोगों को इस फोन से अगर कोई भी सवाल हो, नीचे जो कमेंट करना मत भूलना, मैं पूरा ट्राई करूंगा उसको रिप्लाई करने की। फेवरेट में इतना ही दोस्तों, मैं आपसे चाहता हूँ इजाजत। अगली बार दोस्तों आपसे फिर मिलूंगा नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।